उत्तर प्रदेश के बरेली की हम आपको एक घटना दिखा रहे हैं। जनपद बरेली की है, थाना शेरगढ़ में साइकिल चोरों का आतंक, वीडियो वायरल। जिला बरेली थाना शेरगढ़ के गांव इस्लामपुर के रहने वाले ताहिर शाह 29 दिसंबर को फोटो स्टेट कराने स्टेट बैंक शेरगढ़ शाखा के ठीक सामने गए। वहां उन्होंने अपनी साइकिल खड़ी करके फोटो स्टेट कराने की दुकान में चले गए। इसी बीच चोर ने उनकी साइकिल चुरा ली। जब ताहिर ने शोर मचाया तो लोग इकट्ठे हुए और पास ही दुकान के सीसीटीवी कैमरे में जब देखा गया तो चोर साइकिल चुराता हुआ कैद हो गया। पुलिस की घोर लापरवाही से 4 जनवरी को चोर ने इस घटना को अंजाम दिया। ताज मेडिकल स्टोर से थाना क्षेत्र के ग्राम साले मुजाहिदपुर का रहने वाला 15 वर्षीय सरवर सेफी की एक साइकिल चुरा ले गया। वहां पर भी वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सरवर सेफी बहुत गरीब परिवार से है। वह मेडिकल पर काम करके परिवार का पालन पोषण करता है। साइकिल चोरी होने से उसका रो रोकर बुरा हाल है। उसने पुलिस से गुहार लगाई है उसकी साइकिल बरामद करवाई जाए। लेकिन आप यहां देख सकते हैं सीसीटीवी में भी कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं और किस तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। जहां योगी सरकार लाख दावे करती है, राम राज्य बताती है, वहीं पर इस तरीके के आतंक देखने को मिल रहे हैं। आप ये सीसीटीवी फुटेज है, इसमें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं और किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का रवैया भी उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं है, जिसको आए दिन सुर्खियों में पुलिस रहती है। सीसीटीवी में साफ देखा गया है, लेकिन पुलिस शिनाकत करने को तैयार नहीं है। एक वारदात नहीं, इस तरह की काफ़ी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रखकर और पुलिस प्रशासन तो आंख बंद करके बैठा हुआ है। हम आपको बता दें, इस तरह की घटना एक आम हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, जहां लोग बड़ी वाहवाह करते हैं और योगी जी भी बड़ी वाहवाह करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी दावा करते हैं और अपनी पुलिस की पीठ थपथपाते हैं। लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप सीसीटीवी में बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि साइकिल ठाकर चोर फरार हो जाता है और नज़र नहीं आता। वहीं पुलिस पर सवाल निशान उठ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? परवेज। पापा का क्या नाम है? साल डॉक्टर। कहाँ रहते हो? सलपुरा। तो क्या घटना हुई आपके साथ? ताज मेडिकल के सामने से साइकिल चोर गई, मैंने खड़ी करी थी। अच्छा, तो उसकी तहरीर दी आपने? कही थी भाई ना, मगर मुझे कह रहे थे मिल जाएगी। तुम्हारा? मेरा नाम ताहिर अली है। कहाँ रहते हो? इस्लामपुर। थाना कौन सा है? शेरगढ़। क्या घटना हो गई तुम्हारे साथ? मेरे साथ साइकिल चोरी हो गई। कैसे? मैं काम कर रहा था भट्टे पे ईंट थापने का, तो मैम ने मेरे कने फ़ोन करा कि अपने बच्चों की फ़ोटो कॉपी करा के मुझे दे दो, जर्सी जूते बच्चों को मिल रहे हैं वो आपको ले जाओ आगे। तो मैंने कहा ठीक है, आ रहा हूँ। मैं फ़ोटो कॉपी कराने आया जावेद की दुकान पे, तो जावेद की दुकान पे मैंने साइकिल खड़ी करी और वो अंदर चला गया। मैंने कहा फ़ोटो कॉपी हो जाएगी? वो बोले मशीन ख़राब चल रही है, फ़ोटो कॉपी नहीं हो पाएगी। वो चोर वहीं खड़ा हुआ था उस दुकान पर, उसने कहा कि ऐसा सामने वाली दुकान पर कर लो, करा लो फोटो कॉपी। तो मैंने कहा यार वहाँ ज़्यादा भीड़ है, मेरे कने इतना टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है काम काम से।
तो मैं वहाँ से आया उस दुकान पे से और दूसरी दुकान तीसरी दुकान पे मतलब मैं चला तो बोला यहाँ से करा लो सामने बराबर वाली से। जब मैं बराबर वाली पे गया और उस वहीं सामने मैंने साइकिल खड़ी करी, साइकिल खड़ी करने के बाद जब मैं अंदर गया मैंने कहा भाई फ़ोटो कापी हो जाएगी, बोले हाँ हो जाएगी, तो बोला ठीक है। उन्होंने वो फ़ोटो कापी करने लगे, मैं देखने लगा उनकी तरफ को, वो साइकिल लेने मतलब आ गया और ले मतलब ले गए और चला गया। अच्छा, कहीं इतला दी थाने वाले बताया? हाँ, मैंने तहरीर दी है और पुलिस वालों को, और पुलिस से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने ये कहा कि ऐसा है ठीक है चिंता मत करो हम तुम्हारी साइकिल दिलवाऊंगे। मैंने कहा ऐसा है चोर मैं पकड़वा रहा हूँ और मैं तुम्हें उसका पता बता रहा हूँ, वीडियो मैंने मतलब वीडियो उसकी बन गई है, कैमरे में कैद हो गया है रिजवान भाई को। बोले चलो हमारे साथ, हम उसका फ़ोटो कापी ले कर उस पर उसकी तलाश में रहेंगे। अब उन्होंने जब वीडियो ले ली और वीडियो लेने के बाद मुझसे बोले भाई ठीक है हम मतलब देखेंगे इसको, अगर मिल गया तो आपकी साइकिल मिल जाएगी और नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, आप